नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। मैं आपके साथ नितिन गर्ग। मैं इस समय मौजूद हूँ ग्राम रास्ता में और यहाँ पर एक नहर की पटरी टूटी हुई है और इस नहर की पटरी टूटने की वजह से हजारों बीघा फसल का यहाँ नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि इस नहर में काम चल रहा था, इसे पक्की करने का काम चल रहा था और ग्रामीणों का आरोप है कि इस काम के चलते ही इसमें एकदम से पानी छोड़ दिया गया और मटेरियल भी जो लगाया गया था वो अच्छा नहीं था, जिस वजह से नहर अचानक टूट गई। मेरे साथ यहाँ पर ग्रामीण हैं, किसान हैं, जो यहाँ पर जिनका नुकसान हुआ है उनसे ही बात करते हैं, उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? संजीव जी। संजीव जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या हुआ है यहाँ पर? हमारा तो जो नुकसान हुआ हमारे खेतों का, उसकी भरपाई हो जाए। हम तो इससे पहले हम काम नहीं चलने देने तो हमारा आत्महत्या करने का बता रही है, क्योंकि हमारा नुकसान काफी लिया हमारा। किस तरह से हुआ है, क्या घटनाक्रम था पूरा? घटनाक्रम यह कि यहाँ नहर पर काम चल रहा है, यहाँ पे अच्छा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है, रैम बनाया था यहाँ और फ्लो हुई नहर, रात में और फ्लो हुई नहर, उसके बाद में टूट गई। अधिकारी ध्यान देते, इस बात का कोई ध्यान नहीं कर रहा इस बात को। कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ पर? मेरा अपना गाँव वालों का सब पूरा नुकसान कितना है, जितना इस नहर टूटने की? इस नहर के हमारे गाँव में 1000 बीघा का नुकसान है। तो यहाँ लगभग बता रहे हैं 1000 बीघा यहाँ पर टूट चुकी है। मैं अपने कैमरामैन को भी कहूँगा कि यहाँ की स्थिति दिखाए, किस तरह से यहाँ पर नहर टूटी हुई है और किस तरह से यहाँ पानी चल रहा है। आप देख सकते हैं कि ये पक्की नहर बनाई जा रही थी और ये पूरी की पूरी टूट चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से यह पानी यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ भी इधर भी दिखाना चाहूँगा मैं कि ये खेत हैं और पूरा का पूरा यहाँ पर पानी भर चुका है, पूरी फसल यहाँ पर नष्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी यहाँ पर जा रहा है। आरोप है कि मानकों के अनुरूप यहाँ पर कार्य नहीं हुआ है। यहाँ पर कुछ और किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक तिवारी है। मयंक जी, क्या है कि किसे दोषी मानते हैं आप? सिंचाई विभाग को दोषी मानते हैं, थर्ड क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं, कच्चा काम करते हैं, कागजों में सब ये देख लीजिए आप, इसकी सड़क की स्थिति क्या है ये देख लो। क्या कोई अधिकारी आपने सूचना दी? कोई अधिकारी हमने रात में फोन करके तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पे क्या, हमने खुद यहाँ पे जो काली नदी का पुल है, हमने ये नहर का जो पानी है काली नदी के पुल में हम लोगों ने अपनी मदद से, परिवार के घर की गाँव वालों की मदद से छोड़ा है। इसमें अभी तक सिंचाई विभाग की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिली है, कोई सुनवाई नहीं है। आप हमारे खेतों की हालत, कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, कोई आया है? मैं फोन करके तक अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। आप देख सकते हैं मौके पे क्या, हमने खुद यहाँ पे जो काली नदी का पुल है, हमने ये नहर का जो पानी है काली नदी के पुल में हम लोगों ने अपनी मदद से, परिवार के घर की गाँव वालों की मदद से छोड़ा है। इसमें अभी तक सिंचाई विभाग की तरफ से कोई हमें मदद नहीं मिली है, कोई सुनवाई नहीं है। आप हमारे खेतों की हालत, कोई अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, कोई आया है? आए हैं अधिकारी, उधर खड़े हैं, हम आवाज लगा रहे हैं, बुला रहे हैं, वो हमारे पास तक नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर इनका कहना है, अधिकारी उनसे मिलने भी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? अनुपम जी, क्या कहना चाहेंगे? सारी की सारी जो है सिंचाई विभाग की लापरवाही है, काम चलते हुए नहर आई और इन्होंने रैम बना रखा था, उसकी वजह से टूटी। हमारे गाँव की 1000 बीघे की रकबा जो है खत्म हो गया है, इसमें सारे गेहूं सब खत्म है। और अब एक दो अधिकारी आए, अब भी ठेकेदारी से बात कर रहे हैं ठेके की, यहाँ का कोई मतलब नहीं। किसानों का कितना भी नुकसान हो जाए उसका कोई मतलब नहीं है। जई को फोन किया कि इसकी जो है बहुत खराब स्थिति है पटरी की, इन्होंने कुछ नहीं करवाया, काम चल रहा अंदर अंदर कर रहे। और यो पिछले 4-5 साल में यहाँ से 1 किलोमीटर के अंदर में यो छठी घटना हुई कम से कम, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ऐसा कार्रवाई कुछ नहीं है। यहाँ ग्रामीणों का कहना है कि लगातार यहाँ पर नहर टूटती रहती है लेकिन खाना पूर्ति इसको लेकर यहाँ की जाती है, काफी यहाँ पर नुकसान हुआ है। और मैं अपने कैमरा मैन को दिखाना चाहूंगा कि ये ढांग है, ये मिट्टी की ढांग है और किस तरह से ये मिट्टी कटाव हुआ है, यहाँ पर मिट्टी कटाव यहाँ पर हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल खोपरा यहाँ से हुआ हुआ है, देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी की पूरी ये ढांग गिर चुकी है, पूरा का पूरा मिट्टी कटान हुआ है। और ये है, ये देखिए, ये मतलब क्या अनियमितता यहाँ पर बरती गई है, कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला हुआ है। ये अभी ताजी बनी हुई नहर है, इसे पक्की किया जा रहा था, किस तरह का मैटरी यहाँ पर लगाया गया है, आप
यहाँ की स्थिति खुद ही देख सकते हैं। बड़े ही योगी सरकार जो कहती है जीरो टॉलरेंस, लेकिन यहाँ पर अनियमितताएं बढ़ती गई हैं, अनियमितताएं बढ़ती गई है और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर विभाग की, सिंचाई विभाग की, और किसी भी तरह के जो भी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। नहर टूटने पर खर्चा 1 लाख का, 2 लाख का, कितने का भी आओ, इन 20-30 लाख रुपए का एस्टिमेट भेज कर सरकार को पैसा कमा दे। कौन गरीब आदमी, ये किसान की आवाज नहीं सुनता कोई। इस गांव में सच्चे आदमी है, इंसान भले है, इसलिए इस गांव को बेवकूफ समझे। इससे पहले कहीं और भी नहर नहीं टूटी, जी नहीं नहर यहाँ टूट, यहाँ से पैसा घुमावा, यहाँ का आदमी अपनी आवाज होगा। फांसी खा कर मरने लाख भी नहीं रहा, मेरे बच्चे छोटे छोटे मैं इनका गुजारा नहीं करने छूटे। मैं अपना कर्जे में पैसा ले अपनी फसल को उगाई, आज वह खत्म है। नहर टूटने से किसान बर्बाद हो गया है, उसकी फसल बर्बाद हो गई है, किसान रो रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है। लेकिन जब हमने वहां पहुंचे, सिंचाई विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों से बात करनी चाही, तो वह बात करने को भी तैयार नहीं थे। एक दूसरे पर थोप रहे थे कि मैं नहीं बता सकता, साहब आ गए हैं वो बताएंगे। आखिर यह रवैया कब तक चलेगा? क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए क्या हुआ है, क्या कारण है इसका नहर कटने का? वो बताओगे सीचपाल मुंशी जी? सीचपाल बताओगे मुंशी जी? कहाँ है आप कौन है यहाँ पर? मैं तो सीच परिवक्षक हूँ जी। तो क्या कार्य हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या? ये नहर टूट गई, वजह क्या है, क्यों टूट गया है? वजह जो है ये बधाई की नहर है, वो आगे 10 साल से बात कर रहा हूँ, मैं बताऊंगा ऐसा बताऊंगा। नहीं आप क्या हैं? मैं मालिक बताऊंगा। आप क्या हैं? जिलदार साहब। तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है कुछ? नहीं है तो वो सॉरी लिख गई था, सॉरी से क्या बताऊं? सॉरी ओवरफ्लो हो गया। किसके वजह से, किसके वजह से हुआ है, क्या कारण है, क्यों हुआ है ये पानी? कुछ तो जवाब दीजिए, क्या कारण है इसका? नहीं सॉरी में क्या, सॉरी तो कुछ भी लिखट सकता है, सॉरी तो कहीं भी लिखट है। ये तो अभी निर्माणाधीन ही थी, कोई नहीं बोला तो सॉरी तो लिखट ही जा भाई, कहीं मुस्केट कर लिखट जा, कुछ लिखट जा, उसमें तो लिखट ही जाएगी। नहीं सफाई तो होती इधर के, काम चल रहा है, पक्का चल रहा है। बम्बों पर टांस लगे हुए हैं नहरों के, फूलों के सूर्यों पर टांस लगे हुए हैं, इसलिए सफाई जो चुप करवा रहा है। क्षेत्र के रहने वाले बजरंग दल के प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने बताया कि 2 साल पहले उन्होंने पत्राचार करके सरकार से मांग की थी कि प्रतिवर्ष यह नहर टूटती है, इसलिए इसे पक्का किया जाए। सरकार ने इसके लिए 1,70,00,000 रुपए भी मंजूर कर दिए थे। उन्होंने बताया कि लगातार पत्राचार करने के बाद भी अब जाकर इस पर काम लगा, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही की वजह से अब यह फेर भेट चढ़ गया। देखे 1,70,85,000 रुपए इसके स्वीकृत हुए थे और उस स्थान पर निर्माण कार्य भी प्रारंभ हो गया था, यानी कि नहर को पक्की कराए जाने का काम भी ये प्रारंभ हो गया था। लेकिन अधिकारियों की उदासीनता, विभाग की लापरवाही के कारण वो काम आज भी अधर्म लटका हुआ है। मैंने अधिकारियों को पत्राचार किया तो कोई संतोषजनक उत्तर उन्होंने नहीं दिया और आज फिर से उसी स्थान पर ये नहर क्षतिग्रस्त होगी, जिसके कारण कई गांव के किसानों को लाखों रुपए की फसल उनकी ये बर्बाद हो चुकी है। कौन इसका जिम्मेदार होगा? उन अधिकारियों के खिलाफ तुरंत FIR दर्ज करते हुए और कड़ी कार्रवाई शासन और प्रशासन को करानी चाहिए, क्योंकि विभाग को भी और सरकार को भी ये लोग कहीं ना कहीं और चुन्ना लगाए जाने का काम ये लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा और भोले भाले और गरीब किसानों को, मजदूरों को और ये भुगतना पड़ रहा है। विभाग की, सिंचाई विभाग की और किसी भी तरह के जो भी इसमें लिप्त है उनके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। देवबंद से कैमरामैन साजिद के साथ
नितिन गर्ग पब्लिक लाइव।